बाढ़ और कंतारा जैसी मूवीज में इनके बारे में जानते हैं, जिसकी पूजा लोग प्रेम या भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के वन्यार समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। हर साल एक युवक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था बालिक उम्र होते ही। हमारी कल्चर इतनी ज्यादा वास्ट है कि उसमें इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो कि शायद कोई जानता है कोई नहीं जानता है, या फिर बहुत ही ऐसे अनसुलझे से रहस्य हैं, अनसुलझे से देवी देवताएं हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते जिनके बारे में। आज ऐसा ही एक वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और फिर बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से कि कौन कौन से ऐसे देवी देवताएं हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। एक बार वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ों के बीच एक छोटे से गांव में एक भव्य त्योहार मनाया जा रहा था। मंदिर के चारों ओर हल्दी फैली हुई थी, जैसे मानो पूरा मंदिर सोने सा चमक रहा हो। हजारों भक्त सफेद वस्त्रों में मंदिर के चारों तरफ इकट्ठे हुए थे, उनके चेहरे हल्दी से रंगे थे। लेकिन जहां एक तरफ मंदिर के अंदर हल्दी, बेलपत्र, नारियल और शुद्ध जल चढ़ाकर देवता की पूजा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर कुछ भक्त अपने आप को कोड़े मारकर अपने दर्द का चढ़ावा दे रहे थे, तो कुछ अपनी तलवारें लिए जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे। ये प्रथा मनाई जाती है एक ऐसे कुल देवता के सम्मान में जिनकी महानता और मान्यता की कहानियां भारत के दक्षिणी इलाकों में सुनाई जाती हैं। लेकिन भारत के कई हिस्सों में और भी देवी देवता हैं जिनसे जुड़ी कहानियां और प्रथाएं आज भी एक अनसुना राज हैं। आपने कहीं ना कहीं मल्हारी शब्द जरूर सुना होगा। ये शब्द असल में गाना तो सुने हो ना, मल्हारी, जुड़ा है भारत के एक देवता से। मल्हारी का मतलब है मल्ला को हराने वाला। ये कहानी है भगवान शिव के उस अवतार की जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। मल्ला और मणि नाम के दो असुर भाइयों ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपार शक्ति और अमर होने का वरदान दिया, जिसके बाद उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। आए दिन ऋषि मुनियों, देवताओं और मनुष्यों पर हमले होने लगे। परेशान होकर सबने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपने जटाओं से एक खतरनाक सेना को उजागर किया और वे स्वयं मार्तंड भैरव के रूप में प्रकट हुए। एक भयानक योद्धा का रूप, तीन आंखें, सर पर चंद्रमा और हाथ में तलवार। उनके पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सूर्य जैसा तेज था। अपने विकराल रूप में नंदी पर सवार होकर उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन युद्ध की शुरुआत हुई। मल्ला और मणि ने 6 दिन तक घंघोर युद्ध किया, लेकिन अंत में वो दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े। मणि ने अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए शिव जी को अपना सफेद घोड़ा अर्पण किया और उनसे विनती की कि वो सदा उनके साथ रहना चाहते हैं। महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी और उसे अपने साथ स्थान दिया। लेकिन मल्ला के इरादे कुछ और थे। उसने कहा कि वो इस संसार की बर्बादी देखना चाहता है और इंसानी मांस का सेवन करना चाहता है। ऐसी दरिद्रता सुन शिवजी की आंखें क्रोध से भर गई और उन्होंने मल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर मंदिर की सीढ़ियों के नीचे गिर गया और कहा जाता है कि वो आज भी भक्तों के चरणों के नीचे कुचला जाता है। कहा जाता है कि असुरों का विनाश करने के बाद शिवजी ने यहीं पर स्वयंभू लिंगम के रूप में बसने का फैसला किया और आज मार्गशीर्ष के 6वें दिन पर खंडोबा के रूप में उनकी पूजा की जाती है। खंडोबा यानी तलवार से बुराई का संहार करने वाला योद्धा। इनकी पूजा ज्यादातर महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में की जाती है। यहाँ के छोटे छोटे गांव में इनके अलग अलग नाम और अलग मान्यताएं हैं। कोई इन्हें सिर्फ भगवान शिव का रूप मानते हैं तो कोई शिवजी, सूर्यदेव और कार्तिकेय के जुड़े हुए रूप में इनकी पूजा करते हैं। खंडोबा, मल्हारी, मार्तंड भैरव, महालसा कांत जैसे कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और इनकी पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। लेकिन इसी कहानी से कुछ खतरनाक प्रथाएं निकलती हैं। माना जाता है कि मणि ने अपने वरदान में यह भी मांगा था कि उसे बकरे का मांस चढ़ाया जाए, जिससे इस समाज की वृद्धि होगी। इसलिए आज खंडोबा के कई भक्त उनके लिए बकरे की बलि चढ़ाकर उसका मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि खंडोबा का सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपने आप को उन्हें अर्पण कर दे। ये प्रथा कई सदियों तक मनाई जाती थी। हर साल एक युवक को चुनकर उसे वीर बुलाया जाता था और बालिक उम्र होते ही वो अपनी बलि चढ़ाया करते थे। आज ये प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन अपनी भक्ति और बलिदान साबित करने के लिए उनके कई भक्त अपने आप को कोड़े से मारकर उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खंडोबा की जैन और मुस्लिम धर्मों में भी मान्यता है। मल्लुका पठान
या मल्लू खान को खंडोबा का एक रूप माना जाता है। कुछ कहानियों के अनुसार वो एक मुस्लिम घोड़े वाले बताए जाते हैं और उनकी एक पत्नी भी थी। लेकिन एक ही भगवान को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम और रूप में देखा जाना कोई नई बात नहीं है। देखो डिटेल्स तो नहीं पता मुझे इसके बारे में, लेकिन हाँ जो लोग उस वाले इलाके से अगर देख रहा होगा कोई वीडियो, जैसे महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया, तो अगर वहाँ पे ऐसा मनाया जाता है या बोला जाता है तो जरूर बताना, ताकि हमें जो है वो पता नहीं इसके बारे में। और ऐसे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए ना केवल इसी के बारे में जिनके बारे में हमें पता नहीं है। हो सकता है कि हम लोग उतना पहुंच नहीं पाते, या कोई वीडियो ऐसा पहुंच नहीं पाता, या जिन किताबों में लिखा गया वो किताबें हम तक नहीं पहुंच पाती जिससे हम लोग इनके बारे में जान सके। तो जो लोग उधर के हैं वो क्या बताना कि सच में ऐसा होता है कि मतलब दोनों कम्युनिटी, जैसे हिंदू हो गया मुस्लिम हो गया, वो भी पूजा करती हैं, भले अलग अलग नाम से जो है वो जानने को मिले, लेकिन क्या ये सच में अवेलेबल है या नहीं है। जो लोग उधर से वीडियो देख रहे हैं एक बार जरूर कमेंट करना, या फिर जिनको पता है वो भी जरूर बताना। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं इस वीडियो के बाद और इस पे जो है सर्च करके देखने वाला हूँ, लेकिन एक बार वीडियो देखूंगा उसके बाद ही। महाभारत में हमने द्रौपदी की कहानी तो जरूर सुनी है, पांडवों की धर्मपत्नी जिनका जन्म अग्नि से हुआ था। लेकिन दक्षिण भारत के वन्यार समाज में द्रौपदी को एक देवी की तरह पूजा जाता है। उनका मानना है कि द्रौपदी मां शक्ति का रूप थी, लेकिन वो सभी के सामने अपनी सारी शक्तियों को छुपाकर एक आम नारी की तरह रहती थी। इंद्रप्रस्थ की सभा में पासे का खेल हार जाने की वजह से पांडवों को वनवास भोगने भेजा गया था। उन्होंने 12 साल वन में गुजारे और माना जाता है उस समय रात में वन्यार समाज के लोगों को गांव के पास के जंगल से एक तेज रोशनी नजर आती, जहां एक बड़े से पेड़ के नीचे वो द्रौपदी को बैठा हुआ देखते थे। लेकिन द्रौपदी उन्हें किसी नारी की तरह नहीं बल्कि एक प्रचंड रूप वाली देवी की तरह दिखाई देती थी। लोगों का मानना है कि द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ उसने उन्हें बदल कर रख दिया था। उनके अंदर के गुस्से ने एक विकराल रूप धारण कर लिया था, लेकिन गांव वालों ने उनकी पूजा की और उन्हें एक देवी का दर्जा दिया, जिसके बाद उनकी बंजर जमीन पर बारिश हुई। गांव वालों के लिए द्रौपदी न्याय की देवी बनी, उनके रोग हरने वाली वर्षा की देवी बनी, इसीलिए उन्होंने उन्हें माँ का दर्जा दिया और उनका नाम पड़ा मरियम्मन, यानी बारिश करवाने वाली माँ। लोगों का मानना है कि मरियम्मन की पूजा और भक्ति करने से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती, बारिश सही से होती है जिससे फसल अच्छी उगती है। इसी के साथ उन्हें रोग मुक्ति के लिए पूजा जाता है, खासकर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें रात के समय तेल से बने दीयों को जलाकर मरियम्मन को पूजा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर भारत में भी एक ऐसी ही देवी है जिन्हें चेचक जैसी बीमारियां दूर करने के लिए पूजा जाता है, शीतला माता, जिन्हें शीतला देवी भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इनकी पूजा करने से रोगों का विनाश होता है, लेकिन इनका रूप और इनकी कहानियां दक्षिण की देवी मरियम्मन से काफी मिलती हैं। अब शीतला माता की कहानी से तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे, और वैसे भी नॉर्थ इंडिया में तो जो है बहुत पूजा की जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, साउथ इंडिया में जो मरियम्मन है वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो उस पर हम लोग क्या ही कमेंट करेंगे जो बिल्कुल नया है। और बाकी जिनको बारे में जानकारी है वो जरूर कमेंट में बताते चलना कि क्या क्या जो है वो सच है इसमें और क्या क्या नहीं है। तमिलनाडु के हर गांव के बाहर एक बड़ी सी मूर्ति नजर आती है, हाथ में तलवार पकड़े हुए एक योद्धा की मूर्ति, बड़ी बड़ी आंखें, घनी मूंछ और उनके साथ एक सफेद घोड़ा। ये तो कभी साउथ में गए होंगे तो देखे होंगे, ऐसा मूर्ति जो है बना रहता है, और ये घरों के आगे नहीं मतलब हर दुकान वकान सबके आगे मिल जाता है। इवन जो क्या बोलते हैं वो सोवनियर शॉप, वहाँ भी जो है रखा रहता है, पर पता नहीं इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं क्या है, ये आज पता चल जाएगा। था है अय्यनार देवता, जो हर रात एक पहरेदार की तरह गांव वालों की रक्षा करते हैं। एक ग्रामीण देवता होने की वजह से इनके कई नाम और कई मान्यताएं हैं। अय्यनार का मतलब है दुनिया के स्वामी। इन्हें केरला सबरीमाला के षष्ठ भगवान और अय्यप्पा भगवान के साथ जोड़ा जाता है। हमारे पुराणों में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है। माना जाता है कि अय्यनार हर गांव की फसलों और जानवरों की रक्षा करते हैं। उनके होते हुए कोई भी बुरी आत्मा या शक्ति गांव के अंदर नहीं आ सकती। उनकी पूजा करने से गांव में बारिश सही से होती है और सभी का परिवार फलता फूलता है, और इसी के बदले में उन्हें बकरे और मुर्गी की बलि दी जाती है,
बड़े बड़े झुंड बनाकर ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए अपने शरीर पर रंग लगाकर लोग नाचते हैं। उनके हाथों में तलवार होती है जिससे उस जानवर की बलि देकर उसे अय्यानार को अर्पण किया जाता है। एक ऐसी देवी जो मृत्यु, विनाश और संकट का प्रतीक मानी जाती है, जिसकी पूजा लोग प्रेम या भक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं, जिसकी कहानी वैदिक काल के प्राचीन ग्रंथों में मिलती है, निर्ति। हमारे लिए भगवान अच्छाई का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ भगवान ऐसे भी हैं जिन्हें नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। निर यानी किसी चीज का अभाव होना और रति यानी लक्ष्मी और समृद्धि। तो निर्ति का होना मतलब लक्ष्मी और समृद्धि का अभाव होना, इसलिए उन्हें अलक्ष्मी भी कहा जाता है। अथर्ववेद में निर्ति को सभी रोगों का, देखो एग्जैक्ट फॉर्म का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ अलक्ष्मी के बारे में मैंने भी सुना है और मैं दावे के साथ ऐसा कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 50-60% लोगों को तो पता ही है कि जो लक्ष्मी जी हैं उनके जस्ट अपोजिट अलक्ष्मी जी हैं, जो कि मतलब उनके आने से या उनकी पूजा आराधना करने से ऐसा होता है कि जो धन दौलत है इसकी बहुत ज़्यादा कमी होती है, या फिर ऐसे जो कंगाल वाला रूप जो आ जाता है ना वो इसी वजह से जो है वो आ जाता है कि इनका प्रकोप वो बढ़ जाता है किसी घर पे आदमी पे। बाकी इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी पूजा सही से की जाए, अगर उन्हें प्रसन्न किया जाए तो वो सभी रोगों से मुक्ति भी दिला सकती हैं। महाभारत के अनुसार निर्ति अधर्म की पत्नी है, भय और मृत्यु उनके पुत्र हैं और हिंसा उनके पिता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जो भी निर्ति के वश में आ जाता है वो एक ऐसे गहरे कुएं में फंस जाता है जहां से उसे उसकी कर्म भी नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर निर्ति में इतनी बुराइयां हैं, अगर वो सिर्फ विनाश और बुराई का रूप है, तो उन्हें एक देवी का स्थान कैसे मिला? कुछ लोगों का मानना है कि निर्ति के प्रकोप से गुजरे बिना आप लक्ष्मी और समृद्धि तक नहीं पहुंच सकते। वो लक्ष्मी की बड़ी बहन है, तो ये मान्यता है कि अगर आप लक्ष्मी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको निर्ति का प्रकोप सहना होगा। आज निर्ति की पूजा लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कुछ लोकल कल्चर्स में नजर आता है। कई नए नए ग्रंथों में निर्ति को एक मेल देवता के रूप में दिखाया गया, जिसका रूप, कहानियां सब अलग अलग हैं। हमारे देश के कई अलग अलग हिस्सों में कई ऐसी देवी देवता हैं जिनकी कहानियां आज भी एक गहरा राज है। हम कभी तुम्बाड़ और कंतारा जैसी मूवीज में इनके बारे में जानते हैं, तो कभी हमारे बुजुर्गों की कहानियों से, लेकिन इन सारे देवताओं की कहानियां, उनके रूप, उनकी मान्यताएं हमें दिखाती हैं कि कैसे एक ही भगवान को अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ढंग से अपनाया। ये सारी प्रथाएं मान्यताओं और श्रद्धा पर आधारित हैं। कैसे भक्ति और धर्म के आधार पर लोग एक साथ जुड़ते हैं और अपनी अनोखी परंपराएं बनाते हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। सो मेरे लिए अगर पूछोगे इस वीडियो में तो ऑलमोस्ट 80% ऐसी चीजें थी जो कि बिल्कुल मुझे नहीं पता या फिर नया है, आप ऐसा कह सकते हो। सो इस वीडियो से एटलीस्ट 80% उन सारी चीज़ों को जानने को मिला जो चीज़ हम लोग ना ही कभी इंटेंसली भी पढ़ते हैं और ना ही कभी जानने का मौका मिलता है। सो मुझे तो यही लगा, आप लोगों को क्या लगता है ये जरूर बताना इस वीडियो के बारे में। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा पसंद आ रहा है वो जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।